गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो आज आपके लिए एक डिफरेंट सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। अब सेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एब्रिवेशंस का सेशन लेकर आया हूँ, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग एब्रिविएशन टर्म्स। लास्ट के कुछ सालों में बार बार रिपीट हुए हैं, और ऐसे भी कई हैं जो 3 साल पहले पूछे गए थे और इस साल फिर से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे अराउंड 25 बैंकिंग एब्रिविएशन टर्म्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उनके बारे में हल्का हल्का ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ब्रीफ में मैं हल्का हल्का आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे। अब आप सभी को पता है, IBPS क्लर्क मेंस कुछ ही समय में है, RBI असिस्टेंट ने भी अपनी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो भाई, प्रिपरेशन करने के कई बहाने हैं। LIC असिस्टेंट मेंस ऑल्दो कंप्लीट हो चुका है, पर RBI असिस्टेंट ने बहुत ही अच्छी खबर, RBI ने बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें पेश किए, क्रिसमस का एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया कि असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ भी 926 पोस्ट के लिए किया, जो अच्छी खासी वैकेंसीज है, ठीक है। तो अब यार, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि RBI असिस्टेंट जैसी अपॉर्चुनिटी आपको रेयरली मिलती है। अगर आप असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, स्पेशली क्लरिकल पोस्ट के लिए अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो RBI से ऊपर कोई असिस्टेंट की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, चाहे इन टर्म्स ऑफ आप जॉब प्रोफाइल बात कर रहे हैं, करियर ग्रोथ बात कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, हर तरीके से सर्वोत्तम है, टॉप है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साइड की बातें बहुत हो चुकी है, जैसे हमने कहा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क बैंकिंग एब्रिविएशंस। चलिए, तो सबसे पहले सवाल आपके सामने है, एक बार अपना अटेम्प्ट दे दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, इन FCNR R stands for, अब आपको पता है आजकल सवाल इसी प्रकार पूछे जाते हैं, पूरी फुल फॉर्म रेयरली पूछी जाती है, एक आपको एब्रिविएशन दिया जाता है और उसके किसी लेटर का आपको फुल फॉर्म, या उस लेटर का आपको किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, या क्या उसका मीनिंग है, ये आपको बताना रहता है। तो FCNR में R किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, 5 मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, 5ों में से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, FCNR का मतलब क्या है, FCNR means फॉरन करेंसी नॉन रिपेट्रिएबल अकाउंट डिपॉजिट्स। तो R किस चीज के लिए स्टैंड किया सर, R स्टैंड किया रिपेट्रिएबल का मतलब जो बाहर से जो अपने होम कंट्री पे जो पैसे भिजवाए जाते हैं या अमाउंट भिजवाई जाती है, उसके लिए रिपेट्रिएबल का मतलब रहता है। और ये FCNR है क्या, एक बार पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं जल्दी से, फॉरेन करेंसी नॉन रिपेट्रिएबल अकाउंट डिपॉजिट्स। तो बेसिकली ये एक फॉरेन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, FD है, फॉरेन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नॉट अ सेविंग्स अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये एक प्रकार की फॉरेन करेंसी FD है। इसमें क्या रहता है कि बाहर से सर्टिन जो करेंसीज है, डिपॉजिट्स हैं, जो कर सकते हैं लोग टू देयर होम कंट्री, जैसे कि लेट्स से ये इंडिया के लिए यूज किया जा रहा है, तो बाहर के जो NRI जो लोग होंगे या जो बाहर जो काम कर रहे हैं, वो पैसे भिजवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट करेंसीज, इस डिपॉजिट्स के लिए डिफरेंट जो फॉरेन करेंसीज, 6 मेजर करेंसीज इंक्लूडेड है। क्या क्या, डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट कैन बी मेड इन एनी ऑफ द मेजर करेंसी, किसी भी एक मेजर करेंसी में किया जा सकता है, डॉलर के फॉर्म में किया जा सकता है, UK पाउंड, कैनेडियन डॉलर, ड्यूशमार्क, जैपनीज येन एंड यूरो। तो 6 मेजर करेंसीज FCNR के अंडर आती है। फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी नॉन रिपेट्रिएबल, ये पूरा फुल फॉर्म है, ये एक प्रकार का अकाउंट है। किस तरह का अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, नॉट अ सेविंग्स अकाउंट,
ठीक है, तो ये दो तीन बातें अगर आपको पता है तो और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और ये क्वेश्चन अभी अभी इससे रिलेटेड अभी अभी आपसे LIC असिस्टेंट मेंस में ही पूछा गया था। आपसे पूछा जा रहा है, इन AEBA स्टैंड फॉर, AEBA में E का मतलब क्या रहेगा या E की फुल फॉर्म क्या रहेगी, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आई होप आप सभी को पता है, देख लेते हैं। देखिए आखिरी ही आखिरी में देखिएगा, फुल फॉर्म यहां पर दे रखी है, बैंक आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट। AEBA का पूरा फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी जो आपका LIC असिस्टेंट मेंस का जो अभी आपका एग्जाम हुआ था उसी में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो देखिए वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, सर्टेन कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिनको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, पर कोर में अगर कोर में जाके देखिए तो सवाल सेम ही है, बार बार रिपीट होते हैं ये कुछ सवाल, और वही आपके लिए लेकर आया हूँ। अब आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट का मीनिंग क्या है? सर मीनिंग वही है जो नाम जता रहा है, जिस तरह से पढ़ने पे आपको पता चल रहा है वही है। बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार नंबर ऑफ द कस्टमर इन द कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसे हम CBS कहते हैं, ऑफ द बैंक बिकम्स एन आधार अनेबल्ड या आधार अनेबल्ड बैंक अकाउंट। मतलब वो बैंक अकाउंट जो आधार अनेबल्ड है, मतलब किसी भी अकाउंट को आप अगर आधार के बेसिस पे करते हैं, फिर आप जैसे कि गवर्नमेंट से कोई भी फैसिलिटी ले रहे हैं, कोई भी सब्सिडी ले रहे हैं, कोई भी स्कीम ले रही है, वो आधार एनेबल्ड रहेगी, जहां पर आपकी आधार इंफॉर्मेशंस रजिस्टर की जाती है उस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स है, सब्सिडीज है, फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कुछ स्पेशल नहीं है, बस वो बैंक अकाउंट जो आधार एनेबल्ड हो, आधार से जुड़ा हुआ हो, बस इतना मीनिंग है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट। बार बार पूछा जाए, ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सवाल रहता है, स्पेशली इन एब्रीवेशन, आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट। तो खास इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन PCA। ये जो PCA है, जो हमारा अभी जो साल गया उसमें काफी न्यूज में था, ये जो एब्रिविएशन PCA है ये काफी ज्यादा न्यूज में था 2019 में भी, और 2018 के एंड में भी काफी न्यूज में था, स्पेशली 2019 में। अब देख लेते हैं क्या मतलब है। PCA मीन्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसका मीनिंग है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन विच इज इम्पोज्ड बाय RBI ऑन द बैंक्स विद हायर परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या जिसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखें या एब्रीवेशन देखें तो NPA कहलाते हैं। अब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब हुआ वो मैं समझा देता हूँ। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या रहता है? एक प्रकार का बैन है या एक प्रकार की इम्पोजिशन है जो RBI उन बैंक्स पे लगाता है जिनका एक सर्टेन लेवल से ऊपर NPA चला जाता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? सर बैड लोन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोन्स है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है बैंक, और वो बैड लोन्स की कैटेगरी में जाए जा रहे हैं और उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तो RBI उन बैंक्स पे क्या कर सकता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब जो सर्टेन सेक्शंस हैं उन पे बैन लगा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारे बैंक्स को दी जा रही है, पर उस बैंक से वो चीज हटा दी जाएगी, RBI वो चीज अलाउ नहीं करेगा, या फिर उनकी जो पावर्स है उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, या उनको जो भी फैसिलिटी अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा रहा है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। किसी भी तरह का बैन हो सकता है, किसी भी तरह की इम्पोजिशन होती है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब जल्दी से कुछ ना कुछ करेक्ट करने का एक एक्शन जो RBI लगाता है, किन पे? सर बैंक्स के ऊपर विद हायर परसेंटेज ऑफ NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। या अभी बहुत ज्यादा चला था क्योंकि बहुत सारे जो बैंक्स थे वो लॉस में जा रहे थे, बहुत सारा NPA हो रहा था, जिसके कारण काफी जो बैंक्स थे उन पे NPA लग रखा था। फिर बाद में अभी इस साल के मिड या बीच में जाकर काफी बैंक से NPA RBI ने हटाया,
जिसके वो सॉरी एनपी नहीं पीसीए हटाया, जिसके कारण थोड़ा ये भी हुआ था, हम आपके लिए न्यूज़ भी लेकर आए थे जिससे कि चांसेस हैं वैकेंसीज और ज़्यादा आने की, क्योंकि अगर आपका पीसीए लगा रहता है तो उन बैंक्स के पास रिक्रूटमेंट का जो रहता है वो भी स्कोप ख़त्म हो जाता है। अगर किसी बैंक पे पीसीए लगा हुआ है वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। अब बहुत सालों से पीसीए हटा था, तो हम आपके लिए न्यूज़ भी लेकर आए थे कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ है, अब वो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? पीसीए का मतलब है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है, समझाने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों को पढ़ते हुए काफी समय हो चुका है, तो बहुत स्टैंडर्ड। इन एमएसएफ एस स्टैंड फॉर, एस किस चीज के लिए स्टैंड होता है? तो सभी को पता है एमएसएफ का मतलब क्या है। एमएसएफ मींस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये सभी पढ़ के जाते हैं आई होप, इवन इंटरव्यू के लिए भी आपको ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, बहुत ही स्टैंडर्ड चीजें हैं। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या है? ये एक प्रकार की रेट है, ये एक प्रकार की दर है, जिसका मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द रेट एट विच द शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब आई होप आपको पता हो, फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से ले सके अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एमएसएफ इज अ वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब देख लीजिए, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। एमएसएफ का मतलब क्या रहता है? एमएसएफ मींस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब है स्टैंडिंग। अब ये क्या है? एक प्रकार की रेट है। ये क्या रेट है? ये रेट एट विच कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फंड्स आरबीआई से, किससे बोरो कर सकते हैं? कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई, किस किस बेसिस पे, किस दर पे? सर, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्लेस पे आरबीआई से ओवरनाइट फंड्स बोरो कर सकते हैं, और ये जो फंड्स हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लंबे समय के लिए बोरो नहीं कर रहे हैं, छोटे समय के लिए बोरोइंग क्या बोलते हैं अपने स्कीम है ये, जो जो आप ये आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एमएसएफ वैसे सबको आइडिया रहता ही है, पर फिर भी बताना जरूरी है, अगर आपको नहीं पता है तो इस बारे में अच्छे से पढ़िएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? एपीबीएस, और इसमें आपको बताना है बी स्टैंड फॉर, बी किस चीज के लिए स्टैंड करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से देख लेंगे। चलिए, क्या है एपीबीएस का मतलब? है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एपीबीएस। इट्स वन ऑफ द यूनिक पेमेंट सिस्टम, इट इज वन ऑफ द यूनिक पेमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड बाय दी एनपीसी। अब आई होप आप सभी को पता है एनपीसीआई क्या है, अगर नहीं पता है तो उसके बारे में आपको जाके जरूर पढ़ना चाहिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब एनपीसीआई इस पेमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करती है, इसके थ्रू जाता है ये पूरा का पूरा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्या करता है? इट यूजेज आधार नंबर ऑफ ए कस्टमर एज ए सेंट्रल की फॉर द इलेक्ट्रॉनिकली चैनलाइजिंग दी गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज इन दी आधार अनेबल्ड बैंक अकाउंट्स ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले ही हमने अभी अभी एईबीए के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी एईबीए क्या होता है, आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट, वो अकाउंट जो आधार एनेबल्ड है। अब इसका फायदा क्या होता है? सर, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं तो वो जो आप आधार बेसिस पे, आधार नंबर के बेसिस पे आप सीधा सीधा गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो फाइनेंशियल फंड्स है, ये बेनिफिट्स है, इनको चैनलाइज कैसे किया जाता है? इसको चैनलाइज करने के लिए, उसको पूरा का पूरा लागू करने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम का ही नाम है एईबीए के थ्रू जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स और सब्सिडीज जो इंटेंडेड कस्टमर्स हैं, इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं, उनको प्रोवाइड करवाने के लिए जो सिस्टम है, उसका सिस्टम का नाम है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। और ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम अपना काम किसके थ्रू करवाता है, कौन सी कॉरपोरेशन, कौन सी कंपनी के थ्रू? कंपनी या कॉरपोरेशन का नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? जो लोगों का जो आधार नंबर है उसको
उसको बेस की लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर है या जो चैनलाइजिंग है फाइनेंशियल फंड्स का, चाहे वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स में हो, चाहे गवर्नमेंट सब्सिडीज में हो, वो करती है किन के लिए? फॉर AEBA बेनिफिशरीज, मतलब आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट बेनिफिशरीज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बी का मतलब क्या है? सर बी का मतलब है ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ LAF, MSF की तरह LAF भी बहुत ही स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, आई होप आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिनको नहीं पता है, एक बार छोटी सी डेफिनेशन, इज अ मॉनिटरी पॉलिसी टूल विच अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। LAF इज यूज टू एड बैंक्स इन एडजस्टिंग द डे टू डे मिसमैचेज इन लिक्विडिटी। LAF कंसिस्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। तो LAF है क्या? बेसिकली ये एक प्रकार का मेथड है या एक प्रकार का पॉलिसी टूल है जिसमें बैंक पैसे बोरो करता है, और जो कई बार ये शॉर्ट टर्म रहता है, डे टू डे कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी में मिसमैचेस हो जाते हैं, जो टारगेट्स हैं वो नहीं अचीव हो पाते, या फिर उनमें कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने का ये एक मॉनिटरी पॉलिसी टूल है जिसमें आप रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी जो बैंक की है उसको मिसमैच जो हो रखी है उसको फिर से एडजस्ट करके प्रॉपर प्लेस पे लाते हैं। अब ये कैसे की जाती है? थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स या फिर रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस के थ्रू। इसके बारे में आप अपनी तरफ से भी जरूर पढ़िएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, नाम में ही एडजस्टमेंट है, समझ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल स्टैंड्स फॉर इन ELSS। ELSS में एल किस बात के लिए स्टैंड करता है? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। तो ELSS क्या है? एक प्रकार की सेविंग स्कीम है, पॉपुलरली नोन एज ELSS आर क्लोज एंडेड लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, दे ऑफर टैक्स बेनिफिट्स। चलिए अब क्या है ELSS? एक प्रकार की सेविंग स्कीम है जो म्यूचुअल फंड्स हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इनका लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और एक प्रकार की इक्विटी स्कीम है, सेविंग स्कीम्स में जो इक्विटी प्रोवाइड करवाती है, किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपकी, वो ये स्कीम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, 3 साल की ये स्कीम है। ठीक है, और करते क्या है ये? टैक्स बेनिफिट्स आपको ऑफर करते हैं, और अंडर किसके आते हैं? इट कम्स अंडर द न्यू सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो मस्ट नो पॉइंट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कवर किए। तो ई का मतलब क्या है? सॉरी, एल का बताना था ना, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लिंक्ड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। चलिए आगे बढ़ते। इन SFMS, एफ स्टैंड फॉर SFMS में एफ किस चीज के लिए स्टैंड करेगा? चलिए जल्दी से, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये क्या है? SFM एक प्रकार का मैसेजिंग सिस्टम है, किस चीज के लिए? अभी हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम इज ए सिक्योर मैसेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रा बैंक एंड इंटर बैंक एप्लीकेशन। मतलब बैंक टू बैंक, सेम ही बैंक में डिफरेंट ब्रांचेज में मैसेजिंग का, डिफरेंट एप्लीकेशन के मैसेजिंग के लिए यूज किए जाने वाला सिस्टम है SFMS। और ये सिर्फ इंट्रा बैंक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इंटर बैंक में भी यूज किया जा सकता है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को मैसेज करने के लिए भी सिस्टम का इस्तेमाल करता है, एंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। मैसेजिंग ये नहीं कि नॉर्मल आप जैसे व्हाट्सएप पे, नहीं, डिफरेंट एप्लीकेशन का मैसेजेस, ऑपरेशन का मैसेज, तो सारी चीजें जो होती है ये इस सिस्टम पे चलती है। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वो SFMS है।
अब ये किसके सिमिलर है? इट इज क्वाइट सिमिलर टू स्विफ्ट. इट इज एन इंडियन स्टैंडर्ड सिमिलर टू स्विफ्ट विच इज द इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम यूज फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग ग्लोबली. जैसे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे स्विफ्ट जो सिस्टम है मैसेजिंग का, उसी का काउंटर पार्ट है. उसी की तरह इंडियन स्टैंडर्ड पे आप या इंडिया लेवल पे आप SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटर एंड इंट्रा बैंक एप्लीकेशंस. ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हुआ? एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब है फाइनेंशियल, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम. चलिए, इन कासा सी स्टैंड फॉर. अब कासा भी बहुत ही स्टैंडर्ड है, अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से सुन लीजिए. कासा रेशियो स्टैंड फॉर करंट एंड सेविंग्स अकाउंट. कासा रेशियो स्टैंड फॉर करंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो. करंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो. अब ये कासा रेशियो होता क्या है? कासा रेशियो ऑफ अ बैंक इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स इन करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स. मतलब करंट एंड सेविंग, करंट एंड सेविंग बाय टोटल डिपॉजिट, ये आपका क्या होता है? कासा रेशियो रहता है. ठीक है, ऑफ एनी बैंक. अब जैसे इसको आप अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहे तो एक सिचुएशन यहां पर बताई है. इफ ए लार्ज पार्ट ऑफ ए बैंक्स डिपॉजिट कम्स फ्रॉम दीज फंड्स, इट मीन्स दैट द बैंक इज गेटिंग दोज फंड्स एट अ रिलेटिव लोअर कॉस्ट. मतलब ज्यादातर जो बड़ा बैंक का जो डिपॉजिट है अगर यहां से आता है, कासा से आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंड्स है बैंक को रिलेटिवली, बाकी जो डिपॉजिट्स है उसके रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे मिले हैं. ठीक है, बाकी कासा को आपको डिटेल में समझने की जरूरत है. इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर हमारे पास, या ये वो क्लास नहीं है जहाँ पे डिटेल में हम कासा रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं. पर आई होप फ्यूचर में कोई ना कोई वीडियो जरूर रहेगा, जैसे कि आपके LAF है, MSF है, कासा रेशियो हुआ, ऐसे 8-10 टर्म्स है जिनके बारे में डिटेल में आपको समझने की जरूरत है. अभी के लिए ये फॉर्मेट ऐसा है कि ब्रीफ ब्रीफ में मस्ट नो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए. ठीक है, आगे बढ़ें. सी का मतलब, इसका मतलब क्या था? सी का मतलब था करंट, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो. चलिए, स्विफ्ट की बात कर रहे थे, स्विफ्ट आई गया. इन स्विफ्ट टी स्टैंड फॉर, अभी जब अपने ने SFMS की बात की थी तब स्विफ्ट की भी बात की थी, तो उसी में पूछ लिया गया है स्विफ्ट किस चीज के लिए स्टैंड करता है. तो जल्दी से देख लीजिए, स्विफ्ट मीन्स द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. अब मेरे को इसका मीनिंग तो हम ऑलरेडी समझ चुके थे, इसका बेसिक ऊपर ऊपर से वर्किंग क्या है, क्या काम है, वो भी समझ चुके थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं. स्विफ्ट प्रोवाइड्स अ नेटवर्क डेट अनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन ए सिक्योर, स्टैंडर्डाइज एंड रिलायबल एनवायरमेंट. बस यही चीज SFMS का भी सेम ही काम था, बस ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे यही काम स्विफ्ट का रहता है. ठीक है, टू एक नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है जहां पर मैसेजिंग मतलब या इंफॉर्मेशन का आवन जावन रहता है, सेंड एंड रिसीव रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल, इवन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के, पर सिक्योर, स्टैंडर्डाइज और रिलायबल एनवायरमेंट पे. ठीक है, तो टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब है सर टेली कम्युनिकेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इन अमृत? अब अमृत में आर का मीनिंग क्या है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. अमृत का मीनिंग रहता है सर आपका अटल मिशन फॉर रीजुनुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्या थी? एक प्रकार की स्कीम है ये. द स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन June 2015 विद द फोकस टू इस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कुड इंश्योर एडिक्वेट रोबस्ट सेवेज नेटवर्क्स एंड वाटर सप्लाई फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंप्लीमेंटिंग अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो अमृत का क्या है पूरा का पूरा? अटल मिशन फॉर रिजुनुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पर आर का मीनिंग क्या है? रिजुनुवेशन हो गया. अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस एब्रीवेशन आ गया, ये एग्जैक्टली बैंकिंग एब्रीवेशन नहीं था, ये मोर ऑन ए जनरल अवेयरनेस एब्रीवेशन हो गया. चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखिएगा, कई बार पूछा जाता है बार बार. अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुनुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. चलिए अब आपके काम की फिर से बात आ गई. इन मुद्रा, यू स्टैंड फॉर मुद्रा, इस साल फिर से पूछा गया था, बता देता हूँ.
मुद्रा इस साल फिर से पूछा गया। मुद्रा का मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक और मुद्रा बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स लोन्स एट लोअर रेट्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू MSMEs, विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू MSMEs। इट वॉज लॉन्च बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 8 अप्रैल 2015। तो डेफिनेशन काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें अलग से मैं बता के आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, सभी को क्लियर है। एक प्रकार का बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है पर बहुत ही कम रेट पे, किसको? माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस को, और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको। अब इन टर्न ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है आगे MSMEs को, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है, तब से चलता आ रहा है। अब यू का मतलब क्या हुआ? यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा बैंक, ठीक है। आगे बढ़े सर। इन WMA, ए स्टैंड फॉर, ए किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो क्लियरली आपके साथ आंसर भी यहां पर दिया गया है, देख लेते हैं। WMA का मतलब है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। WMA का मतलब है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इट इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अंडर इट्स क्रेडिट पॉलिसी टू प्रोवाइड टू स्टेट्स बैंकिंग विद इट टू हेल्प देम टाइड ओवर दी टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ देयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो बेसिकली ये भी एक तरह का टूल है, एडजस्टमेंट टूल ही हुआ एक तरह से। वेज एंड मीन्स एडवांसेज एक मैकेनिज्म या एक तरह का टूल है जो RBI इंप्लीमेंट करता है एडजस्ट करने के लिए। किस चीज़ के एडजस्ट करने के लिए? जो टेम्पररी मिसमैचेस होते हैं कैश फ्लो में। किस तरह के कैश फ्लो में? रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के कैश फ्लो में जो हल्का फुल्का मिसमैच होता है उसको करेक्ट करने का या उसको एडजस्ट करके सही प्लेस पे लाने का एक मैकेनिज्म है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो किसके द्वारा इंप्लाई किया जाता है? RBI द्वारा, अंडर इट्स क्रेडिट पॉलिसी, अंडर इट्स क्रेडिट पॉलिसी टू प्रोवाइड टू स्टेट्स टू हेल्प देम टाइड ओवर टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो। तो दोस्तों यहां पर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही स्टैंडर्ड सा फिर से सवाल है, IFSC का पूछा है, जो सवाल हर एक साल बाद रिपीट होता है। IFSC एस स्टैंड फॉर, तो IFSC का मतलब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इट इज एन 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ब्रांच ऑफ एवरी बैंक इन इंडिया। यू कैन ईजली आइडेंटिफाई अ बैंक एंड इट्स ब्रांच फ्रॉम द गिवन IFSC कोड। दिस कोड इज स्पेसिफाइड ऑन देयर चेकबुक एंड रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मनी थ्रू NEFT और RTGS। तो ये IFSC के बारे में मैंने तो यहाँ काफ़ी ब्रीफ में बताया। ये जो सारे के सारे जो कैरेक्टर होते हैं 11 के 11, इनका भी जो सिग्निफिकेंस रहता है उसका भी मैं आपके लिए एक तरह से होमवर्क रहेगा कि उसको पूरा देखिएगा कि ये जो 11 कैरेक्टर हैं इनमें सबका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या क्या चीज़ बताता है, इंपॉर्टेंट रहता है, पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी ओवरऑल जो ऊपर ऊपर से जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया गया। IFSC के कोड हर बैंक के हर ब्रांच के लिए एक यूनिक कोड रहता है जो आइडेंटिफाई करता है। कोई भी IFSC कोड से आप कोई भी बैंक ब्रांच पता कर सकते हैं, और ये जितने भी आपके ट्रांजेक्शन रहते हैं, चाहे NEFT हो चाहे RTGS हो, वहाँ पर आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का ये कोड है। IFSC का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? सिस्टम है। चलिए सर अगला, फुल फॉर्म ऑफ रेरा। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? रेरा और सॉरी रेरा और रियल इस्टेट एक्ट 2016 एम्स एट प्रोटेक्टिंग द होम परचेजर्स एंड ऑल्सो बूस्ट द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट इन 2013। तो रेरा क्या है? रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट। रेरा का मतलब है रियल इस्टेट एक्ट, रियल इस्टेट एक्ट भी बोल सकते हैं, या
रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट भी बोल सकते हैं, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, अब सर इसका काम क्या है? इसका काम है जो घर जो खरीदते हैं, होम परचेजर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और रियल इस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। एनएसडीएल, एनएसडीएल एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। एनएसडीएल का मतलब क्या है ब्रीफ में मैं एक बार आपको बता देता हूं, पर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है एक तरह की जगह जहां पर सिक्योरिटीज डिपॉजिट करते हैं लोग। किस तरह की सिक्योरिटीज सर? जैसे आपके शेयर्स हुए, जैसे आपके बॉन्ड्स हुए, चाहे डिबेंचर्स हुए, पर किस फॉर्मेट में? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी डेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू सॉर्ट आउट द इश्यूज एसोसिएटेड विद द पेपर बेस्ड सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटी सच एज द बैड डिलीवरी, डिलेड ट्रांसफर ऑफ द टाइटल एटसेट्रा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहला और लार्जेस्ट सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। और इसको लाने का कारण आपको क्लियर ही समझ आ रहा है कि पेपर बेस से इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर बेस के साथ काफ़ी इशूज थे जैसे बैड डिलीवरी, डिलेड ट्रांसफर एटसेट्रा एटसेट्रा। एनएसडीएल क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसमें डी किस चीज के लिए स्टैंड हुआ? डिपॉजिटरी के लिए। क्लियर है? चलिए, फुल फॉर्म ऑफ टाइज, टाइज का क्या मतलब होता है एक बार देख लीजिए, टाइज का एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टाइज मीनिंग ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट स्कीम क्या है? मतलब इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय ब्रिजिंग द गैप इन द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट फोकस्ड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो बेसिकली एक प्रकार की एक्सपोर्ट स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर द्वारा एम्प्लॉयड स्कीम है, जिसका टारगेट है जो एक्सपोर्टर्स की जो नीड है उनको एड्रेस करे। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करे। कैसे करे? बाय ब्रिजिंग द गैप। कैसे करेंगे इन्हेंस इनके एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को? बाय ब्रिजिंग द गैप इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट फोकस्ड एक्सपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट फोकस्ड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो ये बेसिक इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ इतनी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। टाइस का मतलब क्या है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ऑप्शन फोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ मिबोर, MIBOR, चलिए देख लेते हैं। मिबोर इज द एक्रोनिम फॉर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, द यार्ड स्टिक ऑफ द इंडियन कॉल मनी मार्केट। इट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो अनसिक्योर्ड फंड्स फ्रॉम वन अनदर इन द इंटरबैंक मार्केट। तो एक तरह इंडियन कॉल मनी मार्केट का यार्ड स्टिक है क्या चीज? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, MIBOR। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अभी अभी इस साल और लास्ट ईयर भी पूछा गया था, MIBOR, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ये रेट है जिस रेट पे बैंक एक दूसरे से मनी बोरो करते हैं, पैसे बोरो करते हैं, इन फॉर्म ऑफ इनसिक्योर्ड फंड्स, इन फॉर्म ऑफ इनसिक्योर्ड फंड्स। इंटरबैंक मार्केट की बहुत ही कॉमन टर्म है, या मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से मनी, जिस रेट पे मनी बोरो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड फंड्स, क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, याद रखिएगा, ऑफर्ड नहीं, ऑफर, मुंबई ऑफर्ड रेट, ऑफर्ड यहाँ पे लिख दिया पर ऑफर रेट होना चाहिए था, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट वन हो जाएगा। ठीक है, एनसीएलटी, एनसीएलटी आपको बताना है, एनसीएलटी का क्या मतलब है? एनसीएलटी स्टैंड्स फॉर,
अच्छा, एनसीएलटी के अंदर भी टी किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है ये पूछा गया। तो एनसीएलटी का मतलब होता है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल सॉरी, द नेशनल लॉ कंपनी, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया डेट एडजुकेट्स इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जो ये एनसीएलटी है ये क्वाज़ी जुडिशियल एक प्रकार की जुडिशियल बॉडी है इंडिया, जो एडजुकेट करती है इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी से डिफरेंट जो जुडिशियल इश्यूज है उनको एडजुकेट करती है, उन पे केस, कुछ ना कुछ केस रहता है, कोई ना कोई इशू होती है उनको सॉल्व करती है। अब क्या क्या होता है, इज द एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, इन इश्यूज पे एजुकेट करती है किनके, रिगार्डिंग इंडियन कंपनीज, क्वाजी जुडिशियल बॉडी द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो टी किस चीज़ के लिए स्टैंड किया, ट्रिब्यूनल के लिए किया। चलिए अगला देखते हैं, ई एफ टी पी ओ एस। अब इसके अंदर टी किस चीज के लिए स्टैंड करेगा, जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बार बार पूछा जाता है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। अब यहां पर ई एफ टी पी ओ एस, आपसे ई एफ टी पी ओ एस में पूछा है, कई बार ये सिर्फ पी ओ एस भी पूछ लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही चीज है। ई एफ टी पी ओ एस थोड़ा सा बड़ा नाम है उसी चीज का, पॉइंट ऑफ सेल भी वही चीज होती है, पर वो पूरा लिखो तो बनता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पेमेंट कार्ड सच एज डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स एट पेमेंट टर्मिनल्स लोकेटेड एट पॉइंट्स ऑफ सेल। मतलब कोई भी पॉइंट्स ऑफ सेल हो सकते हैं, एटीएम्स, वीटीएम्स वगैरह, जहां पर आप क्रेडिट डेबिट वगैरह कार्ड वगैरह पेमेंट कार्ड का यूज़ करके आप पैसे निकालते हैं या पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, किसी तरह का भी ट्रांसफ़र लेन देन रहता है, तो उसे ईएफटी, वो उसी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ईएफटी पीयूएस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। आई होप पॉइंट ऑफ सेल्स तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। एटीएम्स वगैरह जो होते हैं जहां पर आप किसी भी प्रकार का पेमेंट वगैरह किया जा सकता है थ्रू डेबिट क्रेडिट पेमेंट्स कार्ड जो आपके होते हैं उसमें, ठीक है। और उस सिस्टम को, ये पूरी प्रोसेस में, ये जो सिस्टम को क्या कहा जाता है, ई एफ टी पी ओ एस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पेमेंट कार्ड्स एट पेमेंट टर्मिनल्स लोकेटेड एट पॉइंट्स ऑफ सेल। पॉइंट्स ऑफ सेल भी कई बार पी ओ एस भी पूछ लिया जाता है, पी ओ एस में पी का क्या मतलब है, तो पी ओ एस का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ सेल, भूलिएगा मत, ये भी कई बार पूछा जाता है। पूरे का इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। तो यहां पर टी का मतलब क्या हुआ है, ट्रांसफर है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। बस आगे बढ़ते हैं, चलिए सी बी एल ओ में सी स्टैंड फॉर, तो सी बी एल ओ का मतलब होता है कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन सी बी एल ओ मार्केट, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन इज द इंस्ट्रूमेंट इन द सिब्लो मार्केट। इट इज अ डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म फॉर द मच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। बहुत ही बढ़िया, बोरोवर्स इन सी बी एल ओ हैव टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज विद सी सी आई एल। अब सी सी आई एल क्या होता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन है, इसको भी याद करके रखिएगा, तभी इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट डाला भी है कि सी सी आई एल का मतलब क्या है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भूलिएगा मत, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सिब्लू क्या है, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, क्लियर है, बाकी बातें मैंने यहाँ बोल रखी है, आराम से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर ये भी बात मत भूलिएगा कि सी सी आई एल की भी फुल फॉर्म मैंने दी है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर भी ऑब्रिवेशन बनता है, इस पर भी सवाल बनता है सीधा सीधा। तो सी यहाँ पर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, कोलेटरलाइज्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इन एनएफएस, एस स्टैंड फॉर एनएफएस में एस किस चीज के लिए स्टैंड करेगा? एनएफएस का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल स्विच विच इज ओन्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई आप सभी को पता है, पहले भी हमने बात कर रखी है आज के सेशन में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स या ATMs इन इंडिया। अब ये ATM भी अपने आप में एक अच्छा एक्रोनिम है या अच्छा एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म यहाँ क्लियरली दिया हुआ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। अब NFS है क्या? NFS बेसिकली एक नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? ATMs का नेटवर्क है। जो इंडिया में जो ATMs का नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को NFS ही बोला जाता है। और ये जो नेटवर्क है इसको ओन कौन करता है? इसको ओन करता है या इम्प्लीमेंट कौन करता है? वो NPCI है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बस ये दो तीन बातें ही जाननी है, कुछ एक्स्ट्रा समझने के लिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो S किस चीज़ के लिए स्टैंड हुआ? S स्टैंड हुआ स्विच के लिए, भूलिएगा मत। NFS इंपॉर्टेंट है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब ATM का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। NPCI का क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NACH में A किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है ये आपको बताना है। अब NACH क्या है ये भी NPCI से रिलेटेड है, देख लीजिए। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज़ इम्प्लीमेंटेड नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और NACH फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स। इट्स अ वेब बेस्ड सोल्यूशन टू फैसिलिटेट इंटर बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स विच आर रिपीटिटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। कुछ नहीं है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिससे कि इंटर बैंक हाई वॉल्यूम जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं जो रिपीटिटिव है, पीरियोडिक इन नेचर है, कि हर रोज एक सर्टेन पीरियड के बाद लगातार हर बार जो होते हैं इंटर बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, उसके लिए एक वेब सॉल्यूशन है जो NPCI ने इम्प्लीमेंट किया है और उस सॉल्यूशन का नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग है और किन के लिए है? इंटर बैंक्स भी हो सकता है, इंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट्स, इंटर गवर्नमेंट्स। तो ये इनके जो बेनिफिशरीज है इस इम्प्लीमेंटेशन के या फिर इस सिस्टम के, कौन कौन? बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट्स। इट्स अ वेब बेस्ड सोल्यूशन टू फैसिलिटेट, इंटर बैंक बोला है पर और भी चीज़ें हो सकती है, इंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटर कॉरपोरेशंस, इंटर गवर्नमेंट्स, इंटर बैंक्स, हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स विच आर रिपीटिटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। अब याद रखिएगा NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। चलिए तो ए किस चीज के लिए है? ए है सर ऑटोमेटेड के लिए। फुल फॉर्म ऑफ CNP, CNP की सीधी फुल फॉर्म बोली है, CNP का मतलब है कार्ड नॉट प्रेजेंट। कार्ड नॉट प्रेजेंट रिफर्स टू अ परचेज अ कंज्यूमर मेक्स विदाउट फिजिकली प्रेजेंटिंग हिज और हर कार्ड और डेबिट कार्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। CNP ट्रांजेक्शंस ऑफन अकर ऑनलाइन एंड आर कंडक्टेड बाय कंज्यूमर्स विदाउट द एक्चुअल इन स्टोर क्रेडिट कार्ड स्वाइप। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आजकल सभी ये जो CNP ट्रांजेक्शंस है करते हैं, सभी को क्लियरली समझ आया होगा। अच्छा फुल फॉर्म है, अच्छे चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है। CNP मतलब कार्ड नॉट प्रेजेंट, मतलब बिना फिजिकली कार्ड के प्रेजेंस के आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए आपको कार्ड स्वाइप करना, ठीक है, किसी प्रकार का कार्ड का यूसेज, सीधा फिजिकल यूसेज नहीं ज़रूरत होती है। उसके बिना जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्ड नॉट प्रेजेंस, ठीक है, क्लियर है सभी को? मतलब पता है यार, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है इसके लिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, ये आपका फाइनल क्वेश्चन था आज का। और इसी के साथ जो 25 सवाल थे जो मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था सेशन के स्टार्ट में, वो हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, आई होप सभी ने, सॉरी एक सवाल और बच गया, एक सवाल आपका और बचता है, ये एक्स्ट्रा एक सवाल और लाया था, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लीजिए, सरफाइसी एक्ट्स के नाम से, सरफाइसी
में ई स्टैंड्स फॉर, तो सर फैसे क्या होता है, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, ऑल्सो नोन एज सरफेसी एक्ट, इज एन इंडियन लॉ. एक लॉ है, एक लॉ है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट. ठीक है. इट अलाउज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ऑक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफॉल्टर्स टू रिकवर लोन्स. एक लॉ है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करता है कि उन लोगों की कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ करना, किन लोगों की, जो डिफॉल्ट कर चुके हैं, जो लोन के ओवर डिफॉल्ट कर चुके हैं, उनसे लोन रिकवर करने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन करना. ऑक्शन करके क्या करते हैं, लोन रिकवर कर लेते हैं. किनका, डिफॉल्टर्स की. कौन करते हैं ये, बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतने ही सवाल डिस्कस करेंगे. अराउंड 25 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया था. ये वो सवाल थे जो बार 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 आपसे पूछे जा रहे हैं. अब देखो, सेशन पे काफ़ी मेहनत की है, टाइम दिया है, डिटेल में मैंने नहीं समझाया. मैं सही, ये बात आपकी बिल्कुल सही होगी अगर आप बोले कि सर आपने डिटेल पे तो समझाया नहीं, डिटेल वाला सेशन नहीं था, एब्रीवेशंस कवर करनी थी. हाँ, ब्रीफ में जरूर मैंने हर चीज़ के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी है, प्लस जहाँ जहाँ मुझे लगा आपको वहाँ पे एडवाइस भी किया है कि इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में आप अलग से पढ़िए. बाकी आगे इस तरह के सेशंस आते रहेंगे. अब तो RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, IBPS क्लर्क मीन्स का भी एग्जाम कुछ ही दिनों में है, तो बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करना बनता है दोस्तों. तो एब्रीवेशन स्ट्रॉन्ग करिए. ये वो 25 एब्रीवेशंस थे जो हर साल बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग करना सबसे पहला पॉइंट है आपका. ठीक है. अब सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपका रिस्पॉन्स रहा आज के सेशन की रिगार्डिंग. और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. Now that's all for today's session. Have a great day.